ज्ञानवापी के बाद अजमेर शरीफ की दरगाह पर हिंदू संगठन ने किया दावा, जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। देशभर में धार्मिक स्थलों पर चल रहे विवाद के बीच अब अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में शिवालय होने का दावा चर्चा में है। एक हिंदू संगठन ने दरगाह की जगह मंदिर होने का दावा कर सर्वे की मांग की है। इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी भी लिखी गई है। अब अजमेर की इस मशहूर दरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आला अधिकारी भी दरगाह का दौरा कर रहे हैं। दरगाह के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हिंदू संगठन के दावे के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार प्रतिक्रिया देते दिखाई दे रहे हैं। मजहर खान नाम के एक यूजर ने लिखा, धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी, फिर ये आदत बीमारी में बदल जाएगी और फिर ये बीमारी इतनी लाइलाज हो जाएगी कि ये लोग फिर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रोजगार के मुख्यालय पर भी अपने स्थल होने का दावा ठोक के सब कुछ खुदवा देंगे, फिर क्या बचेगा देश में। वहीं अर्जुन देव पचार नाम के यूजर ने लिखा, महंगाई, बेरोजगारी सारे मुद्दे से ध्यान भटकाना, यही खेल चल रहा है। राजा राम नामक यूजर ने लिखा, जो वर्षों से ख्वाजा साहब से मन्नत मांगा वो भी अब कहता है इसमें तो अब शिवलिंग है। वहीं तारिक अनोवर नाम के यूजर ने लिखा, ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला खोदने के बाद विदेशी पर्यटकों के लिए क्या बचेगा, गौशाला और शौचालय। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।